हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना अपना यूट्यूब चैनल जीके वी सुंदर में। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बहुत बार मतलब पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में 2020 में पूछे गए हैं। यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक किस शहर को घोषित किया गया? ये दोस्तों वाराणसी को घोषित किया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है? ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1% ही घोषित किया जाता है, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। अजीब थोड़ा नाम है, अजीब नहीं है, अच्छा ही है, बट याद रखना है ये बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, गोल्डन सिटी किस शहर को मतलब कहा जाता है? तो गोल्डन सिटी दोस्तों एग्जाम में जब ये पूछा गया था उसमें वाराणसी अमृतसर मतलब ऑप्शन में नहीं था, इसलिए शायद मतलब राजस्थान के चार मतलब शहर ऑप्शन में दिए गए थे, जिसमें मतलब आंसर इसका मतलब सही था, जैसलमेर को मतलब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर है दोस्तों, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था, भारत और पाक के बीच किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स नंबर, माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित किया जाता है, जो कृष्ण भगवान और रुक्मणी का उसमें स्पेशल मतलब आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झांसी के रानी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्वालियर में स्थित है, लेकिन फिर कभी अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, विवाह कहाँ हुआ था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और विवाह इनका झांसी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो भागवत गीता का अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार मतलब पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, बेबिया यहाँ दोस्तों। नेक्स्ट का क्वेश्चन, नाइन्थ नंबर दोस्तों, भारत और पाक के बीच जल समझौता किसने किया था? ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने की थी, वर्ल्ड बैंक जो अमेरिका में स्थित है। इसके तहत ये समझौता किए गए थे कि भारत को 80% जल दिया जाएगा और पाक को 80% जल दिया जाएगा, भारत को सिर्फ और सिर्फ 20% ही जल दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, यूसीसीएन दोस्तों ये यूनेस्को का एक संस्था है जिसके द्वारा मतलब शहर को मतलब किसी न किसी चीज़ में घोषित किया जाए, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, फेमस है। तो यूसीसीएन के द्वारा फिल्म सिटी किसे घोषित किया गया? दोस्तों मुंबई को घोषित किया गया है, माया नगरी को दोस्तों। नेक्स्ट है पाक कला में एक पूछेगा, ये 2019 में दोनों को घोषित किया गया था, एक पाक कला जिसे गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, तो गैस्ट्रोनॉमी में दोस्तों हैदराबाद को घोषित किया गया था दोस्तों। ये मेरा छोटा सा प्रयास था, जो आप लोग के अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। लाइक शेयर करने से आगे मुझे वीडियो बनाने के लिए आप लोग के लिए मतलब प्रेरित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे हम। तो तब तक के लिए दोस्त तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।